नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में 125 ग्राम पंचायतों में बनाए गए तिरंगा सेल्फी पॉइंट। तिरंगा के साथ सेल्फी को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुआ जारी। सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी किया लॉन्च। https://harghartiranga.com पर पिन ए फ्लैग और सेल्फी विद फ्लैग कर सकते हैं अपनी सेल्फी अपलोड। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों, कार्यालय व रेलवे स्टेशन को तिरंगा लाइट से गया सजाया। नगर आयुक्त ने कहा, पूरा देश आजादी के हर्षोल्लास में है डूबा। शहर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के पारिवारिक न्यायालय में 16 पारिवारिक जोड़ों की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक के समक्ष 16 जोड़ों को एक दूसरे से माला पहनाकर गिफ्ट देकर की गई विदाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की गोरखपुर इकाई ने जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की समाधि स्थल से एनएक्सी भवन तक निकाली तिरंगा बाइक रैली। एनएक्सी भवन पर तिरंगा बाइक रैली का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित होमगार्ड के अधिकारियों ने पुष्प से किया स्वागत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 4,09,592 वाद में से कुल 3,80,862 वादों का निस्तारण करते हुए नया कीर्तिमान किया गया स्थापित। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएससी संचालकों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निकाला गया तिरंगा बाइक रैली। रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए किया गया जागरूक। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से निकाली गई आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों प्रदीप शानी एवं सूरज को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला तिरंगा यात्रा का। हर घर तिरंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं सिविल डिफेंस के वार्डन। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। कहा, पीएम मोदी एवं सीएम योगी का हर घर तिरंगा का नारा बन गया है जन आंदोलन। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है उस देश के बदल जाते हैं इतिहास और भूगोल। अब खबरें विस्तार से। देश के जश्न आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मना रहे नागरिक हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपना राष्ट्रीय ध्वज पिन कर सकते हैं। प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश भी जारी किया है, जिसमें तिरंगा के साथ सेल्फी को हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सार्वजनिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स को राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करके डिजिटल तिरंगा में फीचर करने का भी मौका मिलेगा। वेब पेज में एक लाइव डैशबोर्ड भी है जो पिन किए गए झंडे की संख्या और रियल टाइम अपलोड की गई सेल्फी की संख्या दिखाता है।
जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले में 125 ग्राम पंचायतों में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। कुछ और ग्राम पंचायतों में सेल्फी पॉइंट निर्मित किए जा रहे हैं। कई अन्य विभागों की तरफ से तिरंगा सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। ऐसे करें वेबसाइट पर झंडे को पिन। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर https://हरघरतिरंगा.com पर जाएं, पिन ए फ्लैग बटन पर क्लिक करें, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें। आप अपनी गूगल आईडी का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपना लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए कहा जाएगा। लोकेशन एक्सेस देने के बाद आप अपने लोकेशन पर वर्चुअल फ्लैग पिन कर सकते हैं। डिजिटल तिरंगे में झंडे और फीचर के साथ सेल्फी ऐसे अपलोड करें। सबसे पहले https://हरघरतिरंगा.com पर जाएं, अपलोड सेल्फी विद फ्लैग पेज पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉपअप खुलेगा जहां अपना नाम दर्ज करें। अब अपनी सेल्फी अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत महानगर के सभी प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन सहित सभी कार्यालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश आज़ादी के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। सबको देखते हुए पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही शहर के सभी चौराहों की साफ सफाई व लाइट से सजाया गया है और सभी कार्यालयों पर लाइट लगाया गया है, जो कि रात में एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। सभी चौराहों को तिरंगा लाइट से सजाया गया है और पार्कों पर भी तिरंगा लाइट लगाया गया है, जिससे लोग आकर्षित होकर रात में शहर के चौराहों को देखने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। पूरा देश आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर्षोल्लास में डूबा हुआ है और 11 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में नगर निगम गोरखपुर ने भी 10 तारीख को पूरे शहर में 400 चार पहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली निकाली। 11 तारीख को नगर निगम परिसर के गेट से लेकर लगभग 12 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्राइज 51,000 रुपये, सेकंड प्राइज 31,000 रुपये और थर्ड प्राइज 21,000 रुपये थी। साथ साथ 2100 रुपये के 10 कंसोलेशन प्राइज भी थे। इसके पश्चात 12 तारीख को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारिक जन का सम्मान समारोह,
एवं उनको रक्षा सूत्र बांधा गया और आज यहाँ पर 13 तारीख को नगर निगम में अमर उजाला समाचार पत्र के साथ संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ नगर निगम और किन्नर कल्याण बोर्ड के जो किन्नर समुदाय की एक विशाल रैली निकाली गई जो कि नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग के ठीक सामने से लेकर काली माता के मंदिर तक गई और वहां पर प्रसाद वितरण के पश्चात वो रैली समाप्त हुई, जिस रैली में किन्नर समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के फलस्वरूप आज किन्नर समुदाय के लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और उसकी हर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस पूरे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पूरा शहर, गोरखपुर शहर जो है पूरे जोशो खरोश से भरा हुआ है। हर घर में लोग तिरंगा लगा रहे हैं, हर घर को लोग सजा रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो नगर निगम है उसने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। हमारे हर स्ट्रीट लाइट पर तिरंगी लाइट सजाई गई है, हर चौराहे को तिरंगी लाइट सजाया गया है। नगर निगम के जो दोनों बड़े वाले भवन हैं उनमें तिरंगा लाइट को सजाया गया है और जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। चारों हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, जो महंत अवैधनाथ वाटिका है, उसको भी चारों तरफ से जो तिरंगे ध्वज हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। कहने का आशय यह है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में नगर निगम पूरे शहर में एक जो आज़ादी का जो एक इस महोत्सव में जो उल्लास है वो चारों तरफ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ जो हैं बिखरी हुई हैं। लोग आज़ादी के इस महोत्सव में आपस में एक दूसरे से मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय के माध्यम से जहाँ लोगों के मन में एक बार पुनः देशभक्ति की जो भावना थी एक नई ऊर्जा के साथ उनमें संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो लोगों को अपने देश प्रेम को एक नई भावनाओं का जो नया ज्वार पैदा हुआ है वह देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत बनाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में 16 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज सिंह गौतम की मौजूदगी में एक दूसरे को माल्यार्पण कर विदाई कराई गई, जिसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज सिंह गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 98 मामले आए थे, जिनमें से 59 मामलों का निस्तारण हुआ है। वहीं 58 में से 16 पारिवारिक जोड़ों की आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक दूसरे को माल्यार्पण व गिफ्ट देकर विदाई की गई। उन्होंने बताया कि न्यायालय का हमेशा प्रयास रहता है कि सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण कर दिया जाए, लेकिन कुछ मामले 3 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनका काउंसलिंग के माध्यम से प्रयास रहता है कि मामले का निस्तारण कर दिया जाए तथा पति और पत्नी को समझा बुझाकर वापस सुलह समझौता करा दिया जाए, जिससे परिवार टूटने से बच जाए। इस अवसर पर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रेणु सिंह सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने कहा, आप लोग एक दूसरे को पहना लें। एक दूसरे को पहना लीजिए, आप लोग एक दूसरे का सम्मान रिस्पेक्ट जरूरी है ना, सबसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट सम्मान। ललिता इंद्रजीत इधर, ललिता इंद्रजीत दुर्गावती
हमारे लिए भी पहला है इसीलिए। वर्तिका और राजेश थोड़ी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हम भी पार्टी को आप लोग दूसरे पहनाए, आप लोग पहनाइए, थोड़े चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। वाह भाई, चलिए बहुत अच्छा। अरे पर कहाँ थी आप, आइए और क्यों ले आओ भैया। इधर 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 फोटो आए, फोटो इधर। अच्छा सबसे थोड़ा मुस्कुराते रहिए, लोगों को लगे कि हाँ खुशी से जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए दोनों लोगों ने किया है। पहना दो और कोई छूटा है इधर देखिए कैमरे। अरे राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुआ था, पारिवारिक न्यायालय में सर कितने मामले चल रहे थे, कितनों का निस्तारण हुआ, कितने लोगों को? पारिवारिक न्यायालय में कुल 3 अदालतें रन कर रही हैं PJFC को जोड़ के, जहाँ पे 98 मुकदमे लगाए गए थे, जिसमें से 59 मामलों में निस्तारण अभी तक हो चुका है, बाकी से इसमें प्रक्रिया चल रही है। और 59 मामलों में 16 मामलों में फेयरवेल हुआ है, विदाई हुई है, जिनको एक सम्मानजनक स्तर पे उनका सम्मान करते हुए उनको गिफ्ट देकर विदा किया गया है। और अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं जितना अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर सकें। सर लगभग कितने दिनों से ये सब मुकदमे चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से? यहाँ पे मुकदमों की स्थिति जो रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं जितने प्राचीन और प्राचीनतम मामले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निस्तारित करें, लेकिन कभी तभी भी मुकदमों की पेंडेंसी को देखते हुए 1 साल 2 साल 3 साल मुकदमे की पेंडेंसी हो जाती है। और इन मामलों में हम लोग पूरा बराबर प्रयास करते रहते हैं काउंसलिंग करने का, समझाने का, मीडिएशन करने से। इस वजह से हम लोग भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि अभी पार्टी आई है और तुरंत कड़ाई के साथ उसका निस्तारण कर दें। हम लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं कि पति पत्नी में एक अच्छे संबंध बन जाए, और अंतिम समय भी अगर वो पति पत्नी के रूप में विदा होकर जाके रहें। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को इसमें एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है, और ऐसे तो हम लोग पूरा यथाशीघ्र प्रयास करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के गोरखपुर इकाई द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के समाधि स्थल से NXC भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा तिरंगा बाइक रैली का पुष्प से स्वागत किया गया, जिसके संबंध में होमगार्ड के मंडलीय कमांडेंट KH मिश्रा ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत होमगार्डों के द्वारा ब्लॉक से लेकर शहर तक तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। वहीं शहर में जिला कारागार से NXC भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि बैटन ऑफ फ्रीडम को ब्लॉकों से जिले पर लेकर आए हैं, फिर जिले स्तर से लेकर मंडलीय स्तर पर आ रहे हैं। बैटन ऑफ फ्रीडम को होमगार्ड मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदान किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे जनपद में बाइक रैली निकाली जा रही है, जिससे सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगा सके। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, जिला होमगार्ड कमांडेंट अरुण कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलीय होमगार्ड के कमांडेंट KH मिश्रा ने कहा, तीन प्रश्न
आज का हमारे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश यात्रा पूरी करके अभी इसी सभागार में पहुंचते होंगे, तो उनके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ एच मिश्रा जी को, वो यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में उस रैली का स्वागत किया जिसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं, और साथ ही हम अपने जवानों का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग आकर के अपने अपने स्थान ग्रहण करें ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और जहां पर मैं रुक गया था वहीं से मैं आगे अपनी बात को पुनः प्रारंभ करना चाहता हूं। अभी जो ये शासन का प्रशासन का प्रयास रहा है जिसमें होमगार्ड्स विभाग का ये अद्भुत योगदान मैं कहूँगा अपनी तरफ से कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऐसा योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य किया गया है कि जैसे आज़ादी की मशाल पहले चलती थी ऐसे बैटल ऑफ फ्रीडम के नाम से एक प्रतीकात्मक मशाल हम लोगों के पूरे इस मंडल से जो ब्लॉक क्षेत्र हैं वहां से होमगार्ड्स जवानों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने एक बड़ा ही जीवंत रैली निकाला। उसके बाद वो बैटन ऑफ फ्रीडम जो है उसको जिले स्तर पे ला करके जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया और जिलाधिकारी महोदय ने उसको हमारे कमांडेंट साहब को काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के भागीदार बने हैं, जो हमें पुनः उस स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसी ताकतें हैं जो पुनः उस स्थिति में पहुंचाने के लिए रात दिन काम करती हैं। आज हम लोगों ने ये रैली जो निकाला है ये हमारे विभिन्न जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के ब्लॉक लेवल पर हमारे होमगार्ड्स का जो संगठन है, जो कंपनियां हैं वहाँ से प्रत्येक कंपनी के स्तर से एक ये निकली है हम लोग की रैली और तिरंगा यात्रा। हम लोग इसको जैसे कि सरकार का ये अभियान चल रहा है हम लोग उसमें होमगार्ड्स विभाग का बल अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। और इसके संबंध में हम लोगों ने जैसा कि पहले आपको बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर से एक बैटन ऑफ फ्रीडम जैसे कि आपके स्वाधीनता की मशाल थी उसी के प्रतीकात्मक हम लोग बैटन ऑफ फ्रीडम को लेकर के पहले जिले स्तर पे आ रहे हैं, फिर उसको हम लोग जिले स्तर से लेकर के मंडलीय स्तर पे आ रहे हैं। और इस बैटल ऑफ फ्रीडम को कल हम लोग के माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय होमगार्ड मंत्री जी द्वारा अपने प्रदेश के जो यशस्वी हमारे
वो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको प्रदान किया जाएगा और वहाँ एक बहुत ही भव्य उसका आयोजन किया जाएगा, एक समारोह का, जिसमें कि पांच कालिदास मार्ग पे इसको कल दिया जाएगा। यह एक जी, हाँ, इसके अलावा हम लोग आज करीब हमारे 350 जवानों ने, महिला और पुरुष होमगार्ड्स ने, अपने गोरखपुर में विभिन्न मार्गों से एक झंडा यात्रा निकाला है, जिसमें लोगों को यह वो अवेयर कराया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वो लोग अपने तिरंगे को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको सम्मान करना है, किस प्रकार उसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाएंगे, ये संदेश लेते हुए पूरे अपने गोरखपुर के सड़कों पर ये टहलते हुए और यात्रा करते हुए इस 350 होमगार्ड के जवानों ने जन जागरण का अभियान चलाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिवाई न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा 61 वादों का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 4 व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोरखपुर द्वारा 218 वादों का निस्तारण करते हुए 10,08,57,578 रुपए प्रति अवार्ड पारित किया गया। जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकृति के अनेकों वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 89 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। समस्त न्यायालयों द्वारा 2,594 आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 6,83,655 रुपए वसूल किया गया। राजस्व व अन्य विभागों द्वारा 3,52,541 प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4,09,591 वाद आए थे, जिसमें 3,80,862 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, जुलाई 2022 को सारे
माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत उसकी जिन शब्दों से की थी उसे इन एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन आई इंटेंड टू रिपीट। शास्त्रोक्त उक्त उक्ति को उन्होंने कहा कि अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इसकी महत्ता शुरू से जो रही है उसे उसकी वो याद दिलाया उन्होंने। जैसे चेहरे की सुंदरता और चेहरे के लिए आंख की आवश्यकता है, भोजन में अगर नमक न हो तो पूरा भोजन बेस्वाद है, इसी तरह सुचारू रूप से एक राज्य के संचालन के लिए एक सुचारू न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये हमारे आदिकाल से इसे कहा गया है और यदि इसका पालन हमने नहीं किया तो चारों तरफ एक अव्यवस्था की स्थिति बनेगी। आपके परिवार का ही आपका भाई है और ठीक रहे, प्रयास कर रहे हैं तो सहयोग करिए। आज के कार्यक्रम के गाथा को लिखने के लिए मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री जी के पांडे साहब, हमारे साथ पहले के कर्म क्षेत्र से अपने कंधा से कंधा मिला करके जूझ रहे भाई ओझा साहब, हम सबके परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में अपने को स्थापित किए हुए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री गौतम साहब, गोरखपुर जिला प्रशासन का नेतृत्व करते हुए, जिला अधिकारी का नेतृत्व करते हुए एडीएम साहब, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश और हमारे नोडल अधिकारी एवं आप सब, मैं लेता हूं और बातें करने को इच्छुक रहता हूं, इस सत्य से आप अवगत हैं, लेकिन जब वक्त कार्य का हो तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कार्य से ही हम अपनी बात को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हमारी कुर्सी बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा करें ये ज्यादा जरूरी है और वो आज के दिन में हमारे कार्यों से ही होगा। लोक अदालत के विषय, लोक अदालत का उद्देश्य या लोक अदालत के संबंध में आपको कोई जागरूक करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। सिर्फ एक पैगाम है जो हम सबके मुखिया माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने आज प्रातः हमें अपना आशीर्वाद दिया और देते हुए उन्होंने एक बात कही कि भैया मैं चाहता हूं कि प्रथम तीन में हम रहे विगत कई लोक अदालत से, इस बार हम प्रथम होना चाहते हैं। तो मैंने उनसे वादा किया है और आप सबके दम पर किया है, आप सबके जोश जुनून उत्साह और एकजुटता से किया है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि सिर्फ अपने विचार को एकत्रित करके अपना कार्य संपादित करें, परिणाम आप विश्वास रखिए ईश्वर अच्छा ही देगा। सभी को मेरी शुभकामना, धन्यवाद, जय छोटे छोटे जो शमनीय मामले हैं जो बातचीत से निस्तारित हो सकते हैं उन्हीं मामलों का किया जाता है और आज भी उसी प्रकार पूरे राष्ट्र में और गोरखपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिनमें छोटे आपराधिक मामले हैं, शमनीय मामले हैं और ऐसे भी दीवानी के मामले हैं, मोटर दुर्घटना के मामले हैं, पारिवारिक न्यायालय संबंधित मामले हैं, ऐसे सभी मामलों का निस्तारण किया जाए।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएससी के संचालकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से नौकायन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह तिरंगा बाइक रैली जिलाधिकारी कार्यालय से होते हुए विश्वविद्यालय चौराहे से पैडलेगंज से नौकायन पर जाकर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सीएससी केंद्र संचालकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो इस समय पूरा मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसी के क्रम में हमारा 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज ये सभी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स के बीएलई ने ये एक रैली निकाली है, सो ये उनका ये मैसेज देने के लिए कि आज से लेकर हम 3 दिन तक हर एक घर में झंडा लगाएंगे। ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए और रामगढ़ ताल तक जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में 125 ग्राम पंचायतों में बनाए गए तिरंगा सेल्फी पॉइंट। तिरंगा के साथ सेल्फी को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुआ जारी। सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी किया लॉन्च। https://harghartiranga.com पर पिन ए फ्लैग और सेल्फी विद फ्लैग कर सकते हैं अपनी सेल्फी अपलोड। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों, कार्यालय व रेलवे स्टेशन को तिरंगा लाइट से गया सजाया। नगर आयुक्त ने कहा, पूरा देश आजादी के हर्षोल्लास में है डूबा, शहर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के पारिवारिक न्यायालय में 16 पारिवारिक जोड़ों की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक के समक्ष 16 जोड़ों को एक दूसरे से माला पहनाकर गिफ्ट देकर की गई विदाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की गोरखपुर इकाई ने जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की समाधि स्थल से एनएक्सी भवन तक निकाली तिरंगा बाइक रैली। एनएक्सी भवन पर तिरंगा बाइक रैली का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित होमगार्ड के अधिकारियों ने पुष्प से किया स्वागत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 409,592 वाद में से कुल 380,862 वादों का निस्तारण करते हुए नया कीर्तिमान किया गया स्थापित। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएससी संचालकों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निकाला गया तिरंगा बाइक रैली। रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए किया गया जागरूक। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से निकाली गई आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद।
डाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों प्रदीप शानी एवं सूरज को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला तिरंगा यात्रा का। हर घर तिरंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं सिविल डिफेंस के वार्डन। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। कहा, पीएम मोदी एवं सीएम योगी का हर घर तिरंगा का नारा बन गया है जन आंदोलन। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है उस देश के बदल जाते हैं इतिहास और भूगोल। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से आज़ादी की गौरव तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिससे लोग अमर शहीदों को याद कर सके। जिन अमर शहीदों ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, कांग्रेस पार्टी अमर शहीदों को याद करते हुए भारत जोड़ अभियान के तहत गौरव तिरंगा यात्रा निकाली है। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने कहा, मन का राजनीति का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संरक्षण में हम सभी महानगर के कांग्रेस ये लोग, हमारे वरिष्ठ सम्मानित कांग्रेस जन, उनको नमन करते हुए उनके द्वारा दी गई इस आज़ादी को
हम सौभाग्यशाली हैं कि आज 75वां वर्ष मना रहे हैं आजाद देश को। नमन करते हुए हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस यात्रा की शुरुआत करने के पहले शहीद वीरों को नमन करते हुए, अब महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करते हुए, इंदिरा गांधी जी को नमन करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, अशफाकुल्ला खान अपनी भारत माता को नमन करते हुए राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान करने के बाद यहां से निकलेंगे और जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उजल जल तिरंगा में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा त्रिभुवन नारायण मिश्रा प्रदेश महासचिव। तिरंगा यात्रा आज जो निकाला जा रहा है, एक तो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, दूसरे जो लोग इस आज़ादी की लड़ाई लड़े देश की एकता और अखंडता के लिए, स्वतंत्रता तो उनका मकसद था ही, गरीबों मजलूमों की सरकार हो, आज जो सरकार बैठी है वो सरकार गरीबों मजलूमों की सरकार नहीं है। वो सरकार देश की एकता अखंडता की बात तो करती है लेकिन इसको बराबर खंडित करने का काम कर रही है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर। आज कांग्रेस पार्टी आज़ादी के उन दीवानों को याद करते हुए देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो अभियान के तहत आज ये गौरव यात्रा हम निकाल रहे हैं। कैंट थाने की पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को हनुमान मंदिर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रदीप शाहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलीफोन कॉलोनी के सामने रुस्तमपुर बेतिहाता थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज पुत्र छेदी निवासी नहर रोड रुस्तमपुर ढाला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 10 अगस्त को अपने पुत्र रामकृष्ण मिश्र से सवेरा हॉस्पिटल बेतिहाता गली के रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दीपक चौहान पुत्र अरविंद चौहान से कहा सुनी हो गई, जिस पर दीपक ने फोन कर अपने चाचा सूरज पुत्र छेदी व प्रदीप व रामानंद के साथ मौके पर बुलाकर पेट में चाकू से जानलेवा हमला करने के संबंध में तहरीर देकर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल राज नारायण, धूर्यवंशी, दीपक शामिल रहे।
आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग द्वारा शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो राजकीय जिला पुस्तकालय से निकलकर बैंक रोड, टाउन हॉल, कचहरी चौक होते हुए वापस जुबली चौक पर समाप्त हुई। आपको बता दें कि यात्रा में कोतवाली प्रखंड के सभी वार्डन के हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय घोष के साथ वंदे मातरम का नारा लगाए, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर गांव, हर शहर, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, उसी के उपलक्ष में सिविल डिफेंस के वार्डन द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने तरीके से हम सब मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा के तत्वाधान पर ही सिविल डिफेंस द्वारा यह रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। इस अवसर पर डिप्टी चीफ वार्डन शरद श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, सुरेश कुमार, डिविजनल वार्डन कोतवाली विकास जालान, जितेंद्र देव उपाध्याय, आरजू खान, अनुराधा छाया, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सहित भारी संख्या में पोस्ट वार्डन, डिप्टी वार्डन, सेक्टर वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी एवं सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि घर घर में लोगों के मन में देशभक्ति के प्रति जागना प्रेरित हों और उनके मन में ये भावना आए जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराए। उसी योजना के लिए हम लोगों ने हर घर में तिरंगा बांटने की योजना बनाई है और हर जगहों पर हम लोग तिरंगा लगा रहे हैं। ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा को निकाला है। ये हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष है और हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। उसी के तत्वाधान सिविल डिफेंस द्वारा घर घर तिरंगा के अंतर्गत आज ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जो जुबली इंटर कॉलेज से होके और शास्त्री चौक तक गई है और हम लोग वापस उठने जा रहे हैं। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग को मनाने का एक अपना तरीका है और हम सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, क्या आप नहीं तो हर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये हमारी रैली निकाली गई है और हर विभाग उसमें अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उसी के तत्वाधान सिविल डिफेंस ने भी अपने इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें ये रैली निकाली गई है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर से किन्नर समाज का एक बड़ा समूह द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा
टाउन हॉल कचहरी चौक गोलघर गणेश चौराहा होते हुए काली मंदिर पर समाप्त हुई। इस यात्रा का शुभारंभ नगर आयुक्त अविनाश सिंह व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, भाजपा नेता भालु प्रताप मिश्रा, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने बताया कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम आपके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत कर रहे हैं तथा देश की आज़ादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है उन सबको नमन करते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर घर तिरंगा नारा जन आंदोलन बन गया है। गोरखपुर के इतिहास में किन्नर समाज द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों ने जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ाया है उनका मैं सदैव आभारी रहूंगी। इस अवसर पर किन्नर कोमल, नैना, सिंदूर, शिल्पा, सिमरन, रागनी, सूरज, पवन, कृतिका, शिवेन सिंह, लाडो, मधु, सौम्या, रजनीश, कविता, कुमकुम, रंजना, मधु, संध्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा, उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौम्या मिश्रा को और अगला नाम मैं पुकार रही हूँ मधु जी का। तो इस उम्मीद के साथ हम एक जोश के साथ इस गर्मी के होश उड़ाते हुए तिरंगा नहीं होना चाहिए काली मंदिर तक आमंत्रित कराने के लिए जिन महानायकों ने जिन बलिदानी और हम सबको आजादी के उन बलिदानियों के बारे में बहुत अल्प समय में आए आपको मैं मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को एक नई ऊंचाई देने का आयाम इस मंच से इस नगर निगम के परिसर से प्रारंभ हो रहा है। ये अनुरोध करना चाहिए इसमें समर्थन है तो जोरदार तालियां एक बार आप सबके तरफ से। साथ ही जो विद्यालय के भैया बहन आए हैं उनके साथ उनके आचार्य और आचार्य बहन मीडिया भारत माता की गाड़ियां भी डिवाइडर बैकअप कर लीजिए गाड़ियां डिवाइडर बैकअप करिए रास्ता बाधित नहीं करना एक साइड में एक लेन दूसरी लेन खाली रखना बहुत ही व्यवस्थित बहुत ही अनुशासित यात्रा महामंडलेश्वर नंदगिरी जी अपनी
कार्यक्रम में सबको जय श्री महाकाल। अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे भारतवासियों को, और हम सब एक होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। नगर निगम से यात्रा निकलेगी, काली मंदिर पे समापन होगी। झांकी है, संस्कृति है, और हम थर्ड जेंडरों का जो भी नाच गाना सब है, और हम सब समाज को यही कहेंगे हमारे तरफ से, जितने हमारे किन्नर समाज की तरफ से, हमारे समुदाय की तरफ से, कि आप लोग इतना हम लोगों को आगे दिया, इतना प्यार दिया है और इतना सब कुछ दिए हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं। और हम लोग जितने में बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं, हम लोग गोरखपुर में ऐसा एक जगह है, उसी जगह से एक्टिव भी हैं हम। थर्ड जेंडरों के बहुत कुछ काम चल रही है, और नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी बहुत सी हम लोगों की जो भी कहते हैं सुन लेते हैं, कर रहे हैं। जितना बड़ा प्रोग्राम निकाला गया सब पे मिलकर, और हमारे साथ सबको ये, जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर सभी बच्चे लोग हैं, और सब जितने गोरखपुर की जनपद के सब हमारे पदाधिकारी अधिकारी सब कोई हमारे साथ में है, बहुत खुशी की बात है। सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, नगर आयुक्त सर ने हमें दिलो जान से सम्मानित किया। मेरी सौभाग्य है कि मैं एक थर्ड जेंडर किन्नर होके मंच में आए, हमें अधिकारी ने किया, पहली बार हमें गोरखपुर में इतना अच्छा सम्मान मिलती है, और मैं इस गोरखपुर के आभारी हूँ। गोरक्षनाथ बाबा की नगरी में मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने कर कमलों द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, तथा लगे हुए प्रदर्शनी को राज्यसभा सांसद ने बारी बारी से 11 चित्र को देखा, तथा डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया गया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है, उस देश के इतिहास भूगोल बदल जाते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है कि देश के विभाजन का सच्चा इतिहास भारत के हर नागरिक के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में लोग भारत आए, रास्ते में उनका कत्ल किया गया, देश की आज़ादी की लड़ाई का ऐतिहासिक भावार्थ है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। इस अवसर पर जनरल पोस्टमास्टर बी के वर्मा, निदेशक वीवी सरण, सहायक निदेशक उमेश कुमार, प्रवर मास्टर विनय कुमार, मनीष कुमार सहित डाक विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ऐतिहासिक प्रदर्शन इस विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम पांच दिन गोरखपुर थे। निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर, प्रांत प्रवाह निरीक्षक महोदय गोरखपुर मंडल गोरखपुर, धीरे धीरे कार्यक्रम से लोग आते हुए डाक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सभी अधिकारीगण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधान डाकघर के समस्त अपना सेवा अनुवरत करते रहेंगे। बाकी साथियों से अनुरोध है शीघ्रता से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों। अवसर पर आपके आगमन से डाक विभाग गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
भारत सरकार के सराहनीय प्रयास का दुर्भाग्य है। इस देश के लोग न तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जानते हैं और न ही ये जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान हुआ, न ही ये जान पाते हैं कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नियंताओं ने तय किया होता तो न तो देश का बंटवारा हुआ होता और न वो जो करोड़ों ऐसे भारत के नागरिक जिनकी निर्मम हत्याएं की गई वो हत्याएं हुई होती। ये बहुत शर्मनाक और दुखद है जो देश अपने इतिहास से आँख मूंदता है उस देश का इतिहास से बदल जाता है और देश का भूगोल बदल जाता है। हम आभारी हैं अपने भारत सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री के जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि देश के विभाजन का सच्चा इतिहास भारत के हर नागरिक के सामने रखना चाहिए। आपने कुछ फोटोग्राफ देखे होंगे, यह फोटोग्राफ अपने आप में बड़े विभत्स हैं। इन फोटोग्राफ्स को एक प्रतीक के रूप में आप मान सकते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है, कभी गोरखनाथ के जो सिंधी कॉलोनी में बसे हुए लोग हैं उनसे जाकर के पूछिएगा। भारत से, पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से करोड़ों की संख्या में लोग आए, रास्ते में उनका कत्लेआम किया गया। एक अजीब सी सांप्रदायिक विद्वेष का वो चरमोत्कर्ष था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जो भारत से गए उनकी प्रॉपर्टी आज तक सुरक्षित रखी है इनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, और हमारे जो नागरिक वहाँ से आए उनके सारे मसानों को तहस नहस करके उनके कब्जा कर लिया गया। तो देश की आज़ादी की लड़ाई का भयावह इतिहास, मैं आभारी हूँ अपनी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री का जिन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का, एक सच को सच की तरह कहने का बीड़ा उठाया है और आज उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में 125 ग्राम पंचायतों में बनाए गए तिरंगा सेल्फी पॉइंट। तिरंगा के साथ सेल्फी को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हुआ जारी। सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी किया लॉन्च। https://harghartiranga.com पर पिन ए फ्लैग और सेल्फी विद फ्लैग कर सकते हैं अपने सेल्फी अपलोड। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों, कार्यालय व रेलवे स्टेशन को तिरंगा लाइट से गया सजाया। नगर आयुक्त ने कहा, पूरा देश आज़ादी के हर्षोल्लास में है डूबा, शहर को सजाया गया है दुल्हन की तरह।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के पारिवारिक न्यायालय में 16 पारिवारिक जोड़ों की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक के समक्ष 16 जोड़ों को एक दूसरे से माला पहनाकर गिफ्ट देकर की गई विदाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की गोरखपुर इकाई ने जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद विस्मिल की समाधि स्थल से एनएक्सी भवन तक निकाली तिरंगा बाइक रैली। एनएक्सी भवन पर तिरंगा बाइक रैली का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित होमगार्ड के अधिकारियों ने पुष्प से किया स्वागत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 4,09,592 वाद में से कुल 3,80,862 वादों का निस्तारण करते हुए नया कीर्तिमान किया गया स्थापित। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीएससी संचालकों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निकाला गया तिरंगा बाइक रैली। रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए किया गया जागरूक। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमर शहीद विस्मिल पार्क से निकाली गई आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा। अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों प्रदीप शानी एवं सूरज को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला तिरंगा यात्रा का। हर घर तिरंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं सिविल डिफेंस के वार्डन। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में निकाला गया भव्य तिरंगा यात्रा। कहा, पीएम मोदी एवं सीएम योगी का हर घर तिरंगा का नारा बन गया है जन आंदोलन। और भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है उस देश के बदल जाते हैं इतिहास और भूगोल। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।